हाँ जी आइए बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेवन पॉइंट फोर। क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। मान लेते हैं इसने राइट एंगल ट्रायंगल में बोला है, तो मैंने मान लिया ए बी सी जो है आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें बी पर वो 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट साइड, टू प्रूव, हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट साइड, या मैं कहूँ हाइपोटेन्यूस मेरा ए सी बनेगा, ए सी इज लॉन्गेस्ट साइड। हमें ये प्रूफ करना है राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है बेटा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं इसकी। ये 90 डिग्री हो गया आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ए बी सी, ठीक है। हमें दिखाना है हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड है, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल सी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम आपका 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। बी 90 का है, एंगल ए प्लस बी 90 का एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्लियर है। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया, 180 माइनस 90। एंगल ए प्लस एंगल सी कितने का हो गया, 90। ठीक है, ए और सी 90 का आ गया। अब एंगल ए और सी दोनों का सम 90 है बेटा, तो दिस इंप्लाइज, देखिए नाउ हमारा क्या है, बी तो 90 का, इधर एंगल ए प्लस सी दोनों का सम 90 का है, दोनों का सम 90 का है, तो आप ये बात तो लिख सकते हो यहाँ से कि एंगल ए जो है वो भी 90 से छोटा होगा एंड एंगल सी जो है वो भी 90 से छोटा होगा, यस और नो, छोटा, क्योंकि एंगल ए और सी, ए और सी का सम है 90 के इक्वल, तो एंगल ए भी 90 से स्मॉलर है, बी भी 90 से स्मॉलर है, तभी तो दोनों का ऐड करके, अगर कोई 90 के इक्वल भी आ गया तो दूसरा तो 0 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स दोनों ही 90 से छोटे होंगे मेरे। 90 डिग्री का बी है तो मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल ए इज लेस देन एंगल बी,
क्योंकि 90 डिग्री का है बी, या लिख सकता हूँ एंगल सी बी लेस देन होगा एंगल बी से, 90 डिग्री का है ना बी, तो 90 डिग्री की जगह एंगल बी लिख दो, ठीक। और हम जानते हैं थ्योरम क्या है, साइड याद है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। अब देखिए इन दोनों से, बी के अपोजिट कौन सी साइड है ए सी, ए के अपोजिट कौन सी साइड है ए के अपोजिट बी सी, तो अगर एंगल बी बड़ा है तो बी के अपोजिट साइड ए सी बड़ी होगी ए के अपोजिट साइड बी सी से, यानी बी सी से बड़ी होगी ए सी। इक्वेशन वन थ्योरम का यूज़ किया है ना कि एंगल बड़ा है तो एंगल के अपोजिट साइड ग्रेटर होगी, ए सी बड़ी आ गई बी सी से क्योंकि ए के अपोजिट बी सी। एंड यहाँ भी क्या है, बी बड़ा है सी से तो बी के अपोजिट साइड कौन ए सी बड़ी होगी, सी एंगल से बड़ा है सी के अपोजिट साइड कौन ए बी, इसे इक्वेशन टू दे दीजिए। और देखिए जरा एंगल वन और एंगल टू, ओ इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन वन में कह रहा है कि ए सी जो है आपकी बी सी से बड़ी है, इक्वेशन टू में हमें बोल रहा है कि जो ए सी है वो ए बी से भी लार्जर है, ठीक है। यानी दोनों को मिलाऊं फ्रॉम वन एंड टू ए सी मेरी बी सी से भी ग्रेटर है, ए सी मेरी ए बी से भी ग्रेटर है, फ्रॉम वन एंड टू दिस इंप्लाइज ए सी इज लॉन्गेस्ट साइड, तो इन तीनों में सबसे लॉन्ग सबसे लार्जर कौन सी होगी ए सी, यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, समझ आ गया कि ए और सी का सम 90 है, एंगल ए जो है वो भी 90 से छोटा मिलेगा और सी भी 90 से छोटा मिलेगा क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, तो दोनों की वैल्यू तो 90 से कुछ ना कुछ कम ही मिलेगी ना। अगर 90 से छोटा है तो बी से छोटा हम लिख ही सकते हैं इसको, क्योंकि 90 के इक्वल है बी, तो 90 की जगह बी पुट कर दिया। और बी अगर एंगल ए से बड़ा है तो एंगल बी के सामने जो साइड होगी वो एंगल ए के जो सामने साइड है उससे ग्रेटर मिलेगी, ए सी ग्रेटर बी सी, इसी तरह से ए सी ग्रेटर देन ए बी भी आ गया, दोनों से साइड से ए सी ग्रेटर है तो पूरे ट्रायंगल में मेरी लॉन्गेस्ट साइड होगी ए सी, जो कि मेरा हाइपोटेन्यूस था, यही दिखाना था मुझे हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ए सी मेरा हाइपोटेन्यूस है वो मेरी लॉन्गेस्ट साइड आ गई। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन टू में सबसे पहले गिवन साइड ए बी ए सी ऑफ ए ट्राइंगल दिस एक्सटेंडेड टू पॉइंट दिस ऑल्सो, जो गिवन है मेन पहले वो लिख देते हैं कि एंगल पी बी सी से ग्रेटर है एंगल क्यू सी बी, और टू शो जो दिखाना है, टू शो ए सी ग्रेटर देन ए बी। चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं,
ए बी सी पी क्यों? हमें दे रखा है पी बी सी ये एंगल और क्यू सी बी ये बड़ा है, इसे नाम देता हूँ एंगल वन। एंगल वन इज़ ग्रेटर देन एंगल टू, ये गिवन है, ऊपर इन्हीं की फॉर्म में लिख देते हैं हम, यानी कि दिस इम्प्लाइज हमें जो गिवन है उसमें है एंगल टू से बड़ा है एंगल वन। एंगल वन इज़ ग्रेटर देन एंगल टू। आइएगा आप शो मुझे करना है कि एसी साइड एबी से ग्रेटर है। अगर एसी को बड़ा शो करना है एबी से तो मुझे ये वाला एंगल यानी एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर से बड़ा प्रूव करना पड़ेगा। एंगल थ्री को एंगल फोर से लार्जर दिखाना पड़ेगा, तभी एंगल थ्री के अपोजिट साइड एसी जो है एंगल फोर के अपोजिट साइड ए बी से ग्रेटर होगी। देखिएगा कैसे दिखाएंगे इसे। प्रूफ, एक चीज देखिए, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना हो गया 180। इसी तरह एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। क्लियर है बेटा? लीनियर पेयर से ये भी 180 और ये भी 180। फर्स्ट से इक्वेशन एंगल 2 की वैल्यू क्या निकलेगी? एंगल 2 की वैल्यू निकलेगी 180 माइनस एंगल 3। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। और यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकलेगी 180 माइनस एंगल 4। इसे इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। इधर से एंगल 2 की वैल्यू निकाल ली, इधर से एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली। गिवन क्या है? गिवन दैट, हमें गिवन है कि एंगल 2 से ग्रेटर है मेरा एंगल 1। ये क्वेश्चन में गिवन है, एंगल 1 ये वाला इज ग्रेटर देन एंगल 2। ठीक, अब क्या है, एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से रखिए। एंगल 2 क्या है? 180 माइनस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 की वैल्यू 180 माइनस एंगल 4। ठीक है, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 से वैल्यू रख दी। अब देखिए इस एंगल 4 को यहाँ नेगेटिव है, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा एंगल 4 पॉजिटिव 180, ये 180 इधर जाएगा तो नेगेटिव, और ये एंगल 3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव। ठीक है, एंगल 4 नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया और ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया और 180 उधर जाके नेगेटिव हो गया। वैसे तो ये क्या करते हैं हम, एडिंग और सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड, कि एड एंगल 4 बोथ साइड, इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एड एंगल 3 बोथ साइड, इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 180 बोथ साइड, इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 4 इज ग्रेटर देन 180 से 180 कैंसिल, एंगल 3 सॉरी एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4 बोलेंगे ऐसे, कि एंगल 3 जो एंगल 4 से ग्रेटर है, एंगल 3 अगर एंगल 4 से ग्रेटर है तो एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी, एसी ग्रेटर मिलेगी एंगल 4 के अपोजिट साइड एबी से। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर 3 ग्रेटर है तो 3 के अपोजिट साइड कौन सी, एसी ग्रेटर मिलेगी किससे, एबी से। रीजन है साइड
अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, ये थ्योरम हमने कल की थी। तो एंगल थ्री बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड ए सी ग्रेटर होगी ए बी से, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था मुझे। क्लियर है बेटा, यही तो दिखाना था कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। फॉर्मेट मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, ए सी को बड़ा दिखाना है तो मैं एंगल थ्री को ग्रेटर दिखाऊंगा एंगल फोर से, और वही किया फिर, एंगल थ्री को ग्रेटर दिखाया एंगल फोर से, थ्योरम का यूज़ किया और आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास गिवन क्या है, गिवन एक बार उससे देखते हैं। गिवन है मेरे पास एंगल बी जो दे रखा है छोटा है वो एंगल ए से, और एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल डी से। टू शो टू शो में दिखाना है ए डी जो है वो छोटी है बी सी से, ए डी स्मॉलर देन बी सी, ये प्रूफ करना है भाई। फिगर बना देते हैं इसकी, कुछ यूं फिगर है, ए बी डी सी ये दे रखे हैं, एंगल ए ये एंगल बी है और ये पॉइंट ओ, दिस इज डी दिस इज सी। देखना भाई प्रूफ, कैसे होंगे। सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं पहले वो देखिए। इन ट्रायंगल एओबी, एओबी में बेटा आप क्या लिख सकते हो, आपको दे रखा है एंगल बी जो है उससे बड़ा है एंगल ए, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी, ओ बी, ओ बी जो है वो आपको बड़ी मिलेगी एंगल बी के सामने वाली साइड, कौन एंगल बी के सामने वाली साइड, ए ओ, और इसे नाम दे दीजिए लेट इट बी स्टार, स्टार नाम दे दिया, रीजन साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ये तो थ्योरम किया हमने। नाउ अब दूसरे में देखिए वहां से क्या रिजल्ट लिख सकते हो, इन ट्राइंगल सी ओ डी दे रखा है एंगल सी से बड़ा है एंगल डी, एंगल सी से एंगल बड़ा है डी, ये गिवन है और यहाँ भी ये गिवन है,
तो एंगल सी के अपोजिट साइड जो होगी कौन सी, ओ डी, और एंगल डी के जो अपोजिट साइड होगी कौन सी, ओ सी। ओ सी ग्रेटर है क्योंकि एंगल डी के अपोजिट साइड है, इट मीन्स ओ सी जो है वो आपकी ग्रेटर होगी एंगल सी के जो सामने साइड है, ओ डी सी डबल स्टार। रीजन, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ग्रेटर एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, लॉन्गर होगी। अब एक काम कीजिएगा, ए और ओ डी एक साइड है, ओ बी और ओ सी दोनों ग्रेटर हैं। नाउ एड स्टार एंड डबल स्टार, स्टार और डबल स्टार को ऐड कीजिए, लेफ्ट लेफ्ट में, राइट राइट में, साइन सेम रहेगा दोनों का, इसी साइड होना चाहिए। ए ओ प्लस ओ डी मिला के भी छोटी रहेंगी किससे, ओ बी प्लस ओ सी। सीधी सी बात है भाई, ओ बी और ओ सी दोनों इन दोनों से बड़ी हैं, ओ बी ओ ए से बड़ी है, ओ सी ओ डी से बड़ी है, तो इनका सम इन दोनों के सम से बड़ा मिलेगा ही मिलेगा, इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के सम से बड़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो ए ओ और ओ डी मिलके क्या बन गया, देखिए स्ट्रेट लाइन है, ए ओ और ओ डी मिला दें तो ये बन जाएगा ए डी, ओ बी और ओ सी मिलके क्या बन गया, ओ बी और ओ सी मिलके पूरी लाइन क्या बन गई, बी सी, यानी ए डी से बड़ा कौन आ गया, बी सी। अरे यही तो हमें प्रूफ करना था, विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इजी था ना बच्चों, एग्जाम्पल थ्री। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल थ्री क्या, क्वेश्चन थ्री, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। देखिए क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है हमारा, पहले गिवन लिखते हैं क्वेश्चन फोर का। क्वेश्चन फोर में गिवन है पहली चीज, ए बी स्मॉलेस्ट एंड सी डी लॉन्गेस्ट, ए बी सबसे छोटी साइड है इसके अंदर, ए जो भी फिगर दे रखी है, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड और सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, ए बी स्मॉलेस्ट सी डी लॉन्गेस्ट, दिखाना क्या है, टू शो फर्स्ट एंगल ए जो है वो बड़ा होगा एंगल सी से, दूसरा क्या दिखाना है, एंगल बी जो है वो बड़ा होगा एंगल डी से, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, एक सेकंड, मुझे एक कॉल उठानी है बीच में, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, एक मिनट वेट करना।
हाँ जी बेटा, आइए एक बार वापस देखिए क्या है, मुझे दिखाना है। एंगल ए सी से बड़ा, एंगल बी एंगल डी से बड़ा है। तो हमने पहले तो फिगर बनाई जो इसने दे रखी है, देखिए बेटा इसने बोला है ए बी स्मॉलेस्ट साइड, ए बी है सबसे छोटी साइड है और सी डी जो है वो सबसे बड़ी साइड है। तो पहले मुझे एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा दिखाना है, तो उसके लिए मैं ज्वाइन करूँगा ए सी को। ए सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक। जैसे ही एसी को ज्वाइन किया तो देखिए बच्चों, इस एंगल को नाम दे दिया मैंने वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर, ठीक। अब इस छोटे ट्रायंगल में देखिएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए ये फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट में इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में देखिए ए बी स्मॉलेस्ट साइड दे रखी है। अगर ए बी स्मॉलेस्ट साइड है आपकी तो बी सी बड़ी होगी उससे, ए बी छोटी है बी सी से, क्योंकि ए बी सभी से छोटी है, ए बी स्मॉलेस्ट साइड मतलब सभी से छोटी है। रीजन क्या लिखोगे, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड दे रखी है। अच्छा, अगर ए बी छोटी है तो ए बी के सामने वाला एंगल भी छोटा होगा, और बी सी बड़ी है तो बी सी के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा ट्रायंगल में। सो दिस इंप्लाइज बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल वन ग्रेटर है एंगल थ्री से, ये होगी इक्वेशन वन। रीजन, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में देखिए जो आपकी सी डी है वो सबसे बड़ी साइड है, लॉन्गेस्ट। तो नॉर्मल सी बात है सी डी तो सबसे बड़ी है, तो इस ट्रायंगल में सी डी बड़ी होगी किससे, ए डी से, सी डी जो है वो ए डी से बड़ी होगी। रीजन दे रखा है सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, सी डी तो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक। अगर सी डी लॉन्गेस्ट साइड है तो CD के अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, CD के अपोजिट इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, एंगल 2। सो एंगल 2 जो है वो ग्रेटर होगा एंगल 4 से, जो AD के अपोजिट एंगल है उससे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। रीज़न वही कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ठीक। अब क्या कीजिए, वन और टू को ऐड कर दो, ऐड वन एंड टू, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो जाएंगे, थ्री प्लस फोर लेस देन राइट राइट में वन प्लस टू, ठीक है भाई। थ्री वन से छोटा है, एंगल वन से छोटा है, फोर एंगल टू से छोटा है, तो इनका एडिशन भी लेफ्ट साइड का राइट साइड से छोटा मिलेगा। थ्री और फोर को मिला के कौन सा बन रहा है, थ्री और फोर को ऐड कर रहे हैं तो पूरा एंगल सी बन रहा है, एंगल सी,
स्मॉलर है, वन और टू को मिला के बन रहे हो उसे, वन और टू को मिला के एंगल ए बन रहे हैं, तो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी आ गया। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया बेटा, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब चलिए सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं इसका। सेकंड में मुझे बी डी दिखाना है कि बी बड़ा होगा डी से। उसके लिए मैं दोबारा फिगर बना देता हूँ, अच्छे से आ जाएगा समझ में। उसके स्केल का आ गया छोटा स्केल का, ये देखिएगा, ए बी सी और डी। इस टाइम सेकंड पार्ट के लिए बी डी को ज्वाइन कर दिए बेटा, बी डी को दिखाना है तो बी डी को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, इसके एंगल के नाम दे देते हैं, यहाँ पे अलग दे देते हैं उनसे, 5, 6, 7, 8 नेम हो जाएंगे इसके। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में मुझे बी ग्रेटर दिखाना है डी से। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, काम तो वही रहेगा जो फर्स्ट में किया था, ध्यान से, बस ट्रायंगल चेंज हो जाएंगे। अब फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखिएगा बेटा, ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, ए बी सबसे छोटी है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, ए बी स्मॉलेस्ट है तो ए डी बड़ी मिलेगी, ए बी से ग्रेटर है मेरी ए डी, गिवन है कि ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, अब ए डी के बड़ी है तो ए डी के अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा मिलेगा, तो इस एंगल में ए डी के अपोजिट एंगल कौन है, 5, और ए बी के अपोजिट 8, तो एंगल 8 से बड़ा होगा एंगल 5। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो इसको, रीज़न वही, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, सिमिलरली इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी की बात करें बेटा, तो बी सी डी में सी डी सबसे बड़ी साइड है, क्वेश्चन में गिवन है कि सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो देखिए सी डी अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो यहाँ गिवन है कि सी डी बड़ी हो जाएगी बी सी से, बी सी से बड़ी है सी डी, रीजन क्या आ गया, सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, सी डी आपकी लॉन्गेस्ट साइड है। अगर सी डी बड़ी है तो सी डी के अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, सी डी अगर बड़ी है, सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल 6 ग्रेटर होगा एंगल 7 से, एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 7। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए, रीजन क्या रहेगा, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। अब एक चीज देखिए बेटा, 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, ऐड 3 और 4, जैसे 3 और 4 को ऐड करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट में, राइट राइट में, एंगल 8 प्लस एंगल 7 लेस हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 से, एंगल 8 इससे छोटा है, एंगल 7 इससे छोटा है, तो इनका एडिशन ग्रेटर वालों के एडिशन से ऑल ऑब्वियस है छोटा ही होगा। 7 और 8 को मिलाइए, 7 8 को मिलाने से कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, 7 8 को ऐड कर देंगे तो एंगल डी बन रहा है, तो दिस इज एंगल डी लेस देन, 5 और 6 को मिलाने से कौन सा बन रहा है,
फाइव और सिक्स को ज्वाइन कर रहे हो तो बेटा आपका बन रहा है एंगल बी. दिस इज एंगल बी. एंगल बी इज लेस देन एंगल सी. लीजिए ये आपका प्रूव हो चुका है सेकंड वाला भी. हेंस प्रूव. दोनों ही दिखा दिए मैंने अलग अलग फिगर बना के. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट नहीं इसके अंदर? ये आपने रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करने हैं. रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा. थ्योरम होगी, ये होगे, सिर्फ आप सुन के छोड़ देते हो, आएंगे नहीं आपको कभी भी. रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना ये चीज़. चलिए फिफ्थ पे चलते हैं. फिफ्थ क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन फिफ्थ. गिवन है, गिवन में हमें पी आर इज ग्रेटर देन, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू और पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर. और टू प्रूफ. बेटा मीटिंग ऑफ होने वाली है, एक बार फिर से रीजॉइन करना है सभी को. ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, दो क्वेश्चन रह गए हैं मेरे, तो जैसे ही ऑफ हो दोबारा आ जाना. पी एस क्यू. एक सेकंड. बेटा एक सेकेंड रुकना.
चलो फिर ठीक है, आइए बेटा। हाँ जी, ये दो क्वेश्चन रह गए आपके, फटाफट ये करते हैं। ये देखिए इसकी फिगर जो है वो बनी हुई है यूं, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट आर, ठीक है, और ये पी एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल पी एस जो है वो इसका बाइसेक्टर है। पहले बता देता हूँ आपको गिवन क्या क्या है, एंगल वन और टू इक्वल है भाई, क्योंकि ये पी एस बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, सो दिस इम्प्लाइज जो एंगल वन है वो एंगल टू के इक्वल है, ठीक। अच्छा पी आर, पी आर ग्रेटर है, ये ग्रेटर है किससे, पी क्यू, इस साइड से, ओके। मुझे दिखाना है पी एस आर, पी एस आर, मुझे एंगल थ्री नाम दे देता हूँ इसको, और पी एस क्यू से एंगल फोर से बड़ा दिखाना, यानी जो प्रूफ करना है मुझे उसमें एंगल थ्री को बड़ा प्रूव करना है एंगल फोर से, एंगल थ्री इज ग्रेटर देन एंगल फोर। नाउ गिवन टू शो प्रूफ, देखिए बेटा कैसे होगा स्टार्ट, ये एंगल क्यू है, ये एंगल आर है, पहले इन में देखते हैं, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, देखिए पी एस क्यू में आप क्या कर सकते हो, एंगल वन प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल फोर इज इक्वल्स टू 180, रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये चीज़ लिख सकते हो, एंगल क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 4, इसे दे दीजिए इक्वेशन 1 नाम, ठीक है बेटा। अब यही काम इस ट्रायंगल में कीजिए, इन ट्रायंगल पी एस आर, पी एस आर में क्या लिखोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एंगल आर यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3, ये होगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिए नाउ गिवन क्या है, गिवन है आपको बेटा कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, जो ये पी आर है इस पी क्यू से बड़ी है, तो बड़े ट्रायंगल में देखना ध्यान से कि पी आर के अपोजिट बड़े ट्रायंगल में कौन सा एंगल क्यू भी बड़ा होगा पी क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल आर से, क्यू एंगल भी एंगल आर से बड़ा मिलेगा क्योंकि ये इस बड़ी साइड के अपोजिट है, लिख देंगे एंगल, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, एंगल क्यू जो है वो ग्रेटर है एंगल आर से, ठीक है, एंगल क्यू की वैल्यू बाय वन से, बाय वन से ये एंगल क्यू की वैल्यू मैं रख रहा हूँ बेटा, क्या एंगल क्यू, 180 माइनस एंगल वन माइनस एंगल फोर इज ग्रेटर देन, एंगल आर की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एंगल टू माइनस एंगल थ्री
ये किससे आगे, बाय वन एंड टू से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, बाय वन एंड टू से ये वैल्यूज मैंने इसमें रख दी। अब देखिए बेटा, अब एक काम कीजिएगा, मैं इनको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, 180 है ठीक है, माइनस एंगल वन, और यहाँ पे माइनस का 180 ले आइए, माइनस का इधर प्लस एंगल टू हो जाएगा और प्लस एंगल थ्री हो जाएगा, और एंगल फोर को उधर शिफ्ट कर दीजिए, एंगल फोर उधर चला जाएगा, इक्वल्स हो गए, 180 से 180 कैंसिल है, एंगल वन और टू इक्वल है बेटा, देखो पीएस बाइसेक्टर है, एंगल वन और टू इक्वल है, तो वन को टू और टू को वन लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर माइनस ऑफ एंगल वन को एंगल टू लिख रहा हूँ, प्लस एंगल टू, ये एंगल वन को मैंने टू लिखा है क्योंकि ये इक्वल है, और एंगल थ्री इज ग्रेटर देन एंगल फोर, रीज़न एंगल वन इक्वल टू एंगल टू गिवन, ये यहाँ पे रीज़न दे दूँगा, टू से टू कैंसिल, एंगल थ्री इज ग्रेटर देन एंगल फोर, लीजिए जो चाहिए था वो आ गया, और एंगल थ्री का पूरा नाम लिखो तो बेटा पी एस आर, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, पी एस आर पी एस क्यू से ग्रेटर हो जाएगा, हैंस प्रूफ, और ये हमारा प्रूफ हो गया, सिंपल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, चलिए लास्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रोन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट साइड, गिवन देखिए क्या है, ठीक है, शो दैट ऑफ द ऑल द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट टू गिव ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट ऑन इट, ओके मैं मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, ए बी इज अ लाइन, ठीक है, पी इज पॉइंट नॉट ऑन लाइन, नॉट ऑन लाइन, पी इज एनी पॉइंट नॉट ऑन लाइन, लाइन पे नहीं है वो पॉइंट, टू शो, और मैं मान लेते, ये भी मान लेते हैं कि पी एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, और टू शो पी एम इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पी एम इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, PM आपका सबसे छोटा डिस्टेंस है, ये दिखाना है भाई, मतलब क्या है, इसने कहा कि एक लाइन है, ये एक लाइन है, दिस इज A, दिस इज B, ए बी एक लाइन है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका, लेट इट बी पी, इसने कहा है कि इस पॉइंट पी से यहाँ पे हजारों लाइनें खींची जा सकती हैं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एक पॉइंट से लाइन का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, सबसे छोटा डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो होगा, कैसे करेंगे आइएगा, ठीक है, ये दिखाना है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, प्रूफ, देखिए मैंने मान लिया, लेट आर बी
एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी एंड जॉइन पी आर। मैंने कोई भी एक आर पॉइंट मान लिया लाइन पे, भाई मैं मान लेता हूँ ये एक पॉइंट है आर, जो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, ये इस पूरी लाइन पे कहीं भी हो सकता है, और मैंने पी आर को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, पी आर को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखो इन ट्रायंगल पीएमआर, पीएमआर की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल R, ये आपका 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल M 90 का है, एंगल P प्लस 90 प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल P प्लस एंगल R कितने का आ जाएगा, 90। ये 90 इधर आके 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, ये 90 इधर 180 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका 90 बचेगा, तो एंगल P प्लस एंगल R किसके इक्वल हो जाएगा, 90 की। अब देखिए P और R दोनों का सम 90 के इक्वल है, सो दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो एंगल R होगा वो पक्का छोटा होगा 90 डिग्री से, एंगल R आपका 90 से छोटा मिलेगा, क्योंकि जब उसके अंदर P और ऐड होता है तब जाके 90 के इक्वल होता है, अकेला R तो 90 से छोटा है ना, और R जो है वो 90 की बजाय अगर एंगल M लिख दूं तो, क्योंकि M 90 का ही है, एंगल M लिख सकता हूँ, 90 तो है, परपेंडिकुलर तो है। दिस इम्प्लाइज अगर एंगल M एंगल R से बड़ा है तो एंगल M के अपोजिट साइड PR जो है वो बड़ी होगी किससे, PM से, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ग्रेटर एंगल के जो बड़ी होगी साइड वो लॉन्गर होगी, तो पी आर बड़ी आ गई। अब पी आर बड़ी है और आर ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एंड आर बी एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब आर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी ले सकते हैं ना आर को, और ये चीज़ प्रूव हो सकती है कि पी आर जो है वो हमेशा पी एम से क्या आएगी, बड़ी आएगी। पी आर चाहे आप यहाँ ड्रॉ कर दो, यहाँ ड्रॉ कर दो, हमेशा पी आर जो होगी जहाँ भी ड्रॉ करोगे पी एम से लार्जर ही आएगी, तो इट मीन्स पी एम इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पी एम इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो पी एम होगा वो इस लाइन तक पहुँचने का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, हेंस प्रूव्ड, या हम कहें किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जाने का सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इज इट क्लियर बेटा, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, ये आपका चैप्टर 7th कंप्लीट हो गया बेटा एनसीईआरटी से, ठीक है, चैप्टर 7th आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 7 के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8th। बेटा ये 5 चैप्टर ज्योमेट्री के हैं, पहले बता देता हूँ मैं कि उसके बाद ये 5 चैप्टर कौन कौन से, एंगल 6, 7, 8, 9 और 10th, ये 5 हो गए तो समझ लेना 9th का एनसीईआरटी सिलेबस लगभग हो गया, बहुत एक 13 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रह जाएगा, बाकी सब इजी हैं। हाँ बेटा बोलो कनिष्का, क्यों क्यों, तो बेटा करनी तो पड़ेगी ना, मुश्किल चीज़ को पहले ख़त्म करो, आपको करनी है प्रैक्टिस, ट्रायंगल की अभी टाइम है, प्रैक्टिस कीजिए इनकी, जितनी कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और अभी नोट्स बन सकते हैं इनके आपके अच्छे से, ठीक है ना, तो ज्योमेट्री तो जितनी हो उतनी कवर करो, क्योंकि इनमें तो कुछ भी नहीं है, दो दो तीन तीन दिन के चैप्टर हैं ये सारे,
तीन तीन चार चार दिन, ये भी फिफ्थ भी इतना ही है, उसके बाद इलेवंथ कंस्ट्रक्शन है, हीरोन फॉर्मूला सारे मुश्किल से मेरे 4 दिन लगेंगे, और सरफेस एरिया में थोड़े से 8-9 दिन लग सकते हैं, और स्टैटिक्स में मेरे 4-5 दिन लगेंगे, प्रोबेबिलिटी 3-4 दिन की है बस, बाकी तो कुछ नहीं है बेटा। मैं सेप्टेम्बर एंड इतना बता रहा हूँ, 1 अक्टूबर तक एनसीईआरटी से सारा सिलेबस करवा दूंगा, 1 अक्टूबर तक एनसीईआरटी से आपका सारा सिलेबस हो जाएगा विद नोट्स, नोट्स बना के अच्छे से, ठीक है। 1 अक्टूबर से हम आरडी शर्मा स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर वे से, जैसे एनसीईआरटी करवा रहा हूँ ना ऐसे ही आरडी शर्मा स्टार्ट हो जाएगी 1 अक्टूबर से, और अक्टूबर से लेके आगे जैन फेब तक आरडी शर्मा चलेगी, ठीक है। 1 अक्टूबर तक आपकी एनसीईआरटी खत्म है। तो बेटा कल से मैं, मंडे से, कल तो संडे है, मंडे से मैं चैप्टर 8 करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे हम, इतने आप इनको लिखिएगा, समझिएगा, कुछ प्रॉब्लम आए तो या तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, फिर भी समझ ना आए तो मुझे बता देना, मैं अलग से भी समझा दूंगा, ठीक है। और ठीक है बेटा, बाकी मंडे को मिलते हैं, मंडे की टाइमिंग जो है वो मैं, हाँ जी बोलिए, मंडे को स्कूल कितने बजे है क्लास, स्कूल स्कूल की आपकी 7 से 2 बजे तक, ओके। फिर आप 7 से 2 बजे तक, इतना लंबा ऑनलाइन स्कूल, कमाल है। अच्छा, चलो कोई नहीं, हम फिर मंडे को 4 बजे रख लेंगे, अपना रूटीन टाइम 5 बजे है वैसे तो, 5 से 6 का जो रूटीन टाइम है, ठीक है। दोपहर में यार क्लास होती है, 4 बजे तक तो मैं फ्री नहीं होता, 4 बजे तक तो क्लास है मेरे, कोई नहीं फिर 4 बजे कर लेते हैं आप, 4 to 5 कर लेंगे, 4 बजे तो वैसे गर्मी गर्मी होती है, ठीक है। कोई नहीं, आप जो तुम्हारे सभी के ऑनलाइन है यार, सभी के जो एडजस्ट होगा वो कर लेंगे टाइम, घबराओ मत, ठीक है। अभी हाँ अभी 4 to 5 करेंगे, मंडे को 4 to 5 ले लेते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मंडे को करते हैं बेटा चैप्टर 8 स्टार्ट, अभी ये अपलोड हो जाएगा और नोट्स मैं सेंड कर देता हूँ, ओके। चलिए ठीक है बेटा, ओके बाय।